नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करें, कहाँ से करें। ठीक है, मैं आज आपको अलग अलग तरह के स्क्रीन रिकॉर्डर बताने जा रहा हूँ। कम से कम 3 टाइप्स के स्क्रीन रिकॉर्डर में कहाँ से डाउनलोड करने हैं, पीसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें देखिए लेफ्ट साइड में क्रोम ब्राउज़र खोलना है। क्रोम ब्राउज़र जैसे ही हम खोलते हैं, क्रोम ब्राउज़र खोलते ही हमारी इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आते ही ऊपर आपको लिखना है, सबसे पहले हम डाउनलोड करने जा रहे हैं कैमटेशिया को। कैमटेशिया कहाँ से डाउनलोड करना है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है तो मैं जो ये बताने जा रहा हूँ, कुछ भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी फ्री में। ठीक है, देखिए मैंने ऊपर लिखा गेट इनटू पीसी, याद रखना इसे, गेट इनटू पीसी डाउनलोड, गेट इनटू पीसी डॉट कॉम लिखेंगे हम तो हम उस पर पहुँच जाएंगे। क्लिक करते हैं गेट इनटू पीसी, जैसे गेट इनटू पीसी पर क्लिक करते हैं, देखिए राइट हैंड साइड में जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पर लिखा हुआ है गो सर्च बैग। कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा स्क्रीन रिकॉर्डर और गो कर दिया। गो पर क्लिक करते ही यहाँ पर लिखा है नॉट रिजल्ट फाउंड, बट यहाँ पर कुछ नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आ गया है डेस्कटॉप रिकॉर्डर सर्च। ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्डर यहाँ पर आ चुके हैं। जो आपको रिकॉर्डर चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेकंड नंबर वाले पे कर रहा हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप रिकॉर्डर। ठीक है, डेस्कटॉप रिकॉर्डर पर क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस खुलेगा, फिर फर्स्ट वाले पे डेस्कटॉप रिकॉर्डर पर फिर क्लिक करेंगे। और थोड़ा सा समय लेगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो एडिटर, यहाँ पर देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ पर एक डाउनलोड फ्री ट्रायल, यदि हमने इस पर क्लिक कर दिया, देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही यहाँ पर दो ऑप्शन खुल कर आएंगे, विंडो में डाउनलोड करना है या मैक डाउनलोड करना है। तो हमें फर्स्ट वाले पर करना है विंडो डाउनलोड। तो विंडो डाउनलोड पर हमने जैसे ही क्लिक किया, थोड़ा समय लेगा, और ये कह रहा है योर कैमटेशिया डाउनलोड हैज़ स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट हो गया है। अब ये मांग रहा है कि आपको कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है, डाउनलोड में करना है, आपको जहाँ पे भी करना है। मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कैमटेशिया रिकॉर्डर पर नाम दे दिया है कुछ 22 करके, और डेस्कटॉप पर सेव कर दिया है। जैसे ही हम सेव करेंगे लेफ्ट साइड में देखिए नीचे आके स्क्रॉल करते हुए नीचे देखिए कैमटेशिया डाउनलोड होने लगा है, और हम यहाँ इसे देख सकते हैं डाउनलोड में। राइट हैंड साइड पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए इसे पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे रिकॉर्ड कर रखा है, और ये आपका डेस्कटॉप पर इस तरह का इंटरफेस बनकर आएगा। देखिए सी जैसा, लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए जब मैं कर रहा हूँ सी कैमटेशिया। ठीक है, ये डाउनलोड होकर यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है तो डाउनलोड हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है कैम स्टूडियो। कैम स्टूडियो के लिए फिर हमें क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, और ऊपर फिर जहाँ पर देखिए कर्सर है मेरा, यहाँ पर लिखना है कैम स्टूडियो। कैम स्टूडियो पर जाएंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कैम रिकॉर्डर पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मांग रहा है कि कहाँ पर डाउनलोड करना है, डेस्कटॉप में करना है, डॉक्यूमेंट्स में, डाउन जहाँ भी आप कोई सी फाइल में आपको डाउनलोड करना है वहीं पर ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर सेव करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कैम स्टूडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, और मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए कर्सर घूम रहा है जहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देखो यहाँ पर डाउनलोड होने ही वाला है, कंप्लीट होने वाला है। मैं इसे भी पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। क्लियर है। अब तीसरे नंबर पर फिर आते हैं, क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं। क्रोम ब्राउज़र में नेक्स्ट हम टाइप करेंगे ड्यू टू रिकॉर्डर, ड्यू रिकॉर्डर फिर ऊपर करेंगे ड्यू स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे हमने ड्यू लिखा, नीचे देखिए आ गया है ड्यू रिकॉर्डर।
ड्यू रिकॉर्डर पर हमने क्लिक किया, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसके सामने लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड। फ्री डाउनलोड पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर बहुत सारे डाउनलोड आ चुके हैं। नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए नीचे और भी हैं, मैक्स प्लेयर वगैरह वगैरह बहुत सारे डाउनलोडर आ चुके हैं। आप कुछ भी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि डाउनलोड करना स्टार्ट करें, ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है डाउनलोडिंग स्टार्ट। अब ये फिर वही आपको कहाँ पर सेव करना है ये भी मांगेगा, तो हम सेव कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड हो चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।